दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। पुराने अतिथि शिक्षकों का ज्वाइनिंग हो चुका है, उसके बाद नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी अब शुरू हो चुकी है। इसके लिए नए आवेदन यहां पर शुरू किए गए हैं। जहां पर अतिथि शिक्षक के पद हैं वहां पर विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, ऐसा ही विज्ञापन आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं तो दिखाए गए विज्ञापन में दिए गए पदों के विरुद्ध आप भी आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी, विज्ञापन की अंतिम तारीख क्या है आवेदन करने की, चलिए दिखाते हैं आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। कार्यालय सीएम राइस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदवासा, ये मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीएम राइस स्कूल है और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए अलग अलग वर्ग के अलग अलग विषय के पद निकले हुए हैं। ऑफलाइन रूप से आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। 27/8/2024 का ऑफिशियल विज्ञापन आप देख रहे हैं, ऑफिशियल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन यहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए ऊपर अंकित किया गया है, साथ ही आगे बताया है सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदवासा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु निम्नलिखित विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों के आवेदन पैनल हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। सीएम राइज स्कूल है, यहाँ पर थोड़ा सा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को रखने के नियम अलग होते हैं। पैनल बनाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, बाकी नियुक्ति तभी होगी जब आदेश जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो भौतिक शास्त्र का है, अतिथि शिक्षक वर्ग एक के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। पद की संख्या यहाँ पर एक दी हुई है, तो ये क्लियर हो गया। फिजिक्स यानी भौतिक का एक पद है वर्ग एक का, यहाँ पर अगर आप भौतिक से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका तारीख वगैरह नियम नीचे बताएंगे, आप इसको देखिएगा पूरा। दूसरा पद है माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग दो अतिथि शिक्षक, अतिथि शिक्षक वर्ग दो संबंधित विषय में स्नातक और बीपीएड डीपीएड एमपीएड, ये एक पद यहाँ पर इसका भी है यानी वर्ग दो का। यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएड डीपीएड एमपीएड है, यानी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए यहाँ पर चाहिए। फिर प्राइमरी शिक्षक का है, प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए वर्ग तीन कैटेगरी के संबंधित विषय में बारहवीं होना चाहिए, हायर सेकेंडरी या फिर स्नातक होना चाहिए। इनके लिए भी सीपीएड बीपीएड डीपीएड ये खेल से संबंधित है, इनका भी एक पद है। फिर प्राथमिक शिक्षक पढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक वर्ग तीन रहेंगे, संबंधित विषय में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, बारहवीं कक्षा और डीएड होना चाहिए। पद की संख्या यहाँ पर दो हुई है, दो दी हुई है यानी दो यहाँ पर वर्ग तीन के अतिथि शिक्षक को रखना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसीजर। देखिए पहला यहाँ पर नोट में लिखा है कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी स्कोर कार्ड यहाँ पर आवश्यक है। आवेदन पत्र आप जो अतिथि के लिए देंगे उसके साथ रिकॉर्ड लगाना है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है नियुक्ति एवं अध्यापन व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश नंबर अतिथि शिक्षा के 2024-25-1-2-4 के अनुसार रहेगी। ये आदेश जारी किया गया था, ये आदेश नंबर है, इस आदेश के अनुसार रहेगी। 24 तारीख का आदेश है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31/8/2024 है, 31 तारीख तक 4 बजे तक रहेगी। आवेदन का समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 31 तारीख तक यहाँ पर आवेदन ऑफलाइन ही होंगे, आवेदन स्कूल पर जाके आवेदन करना होगा या स्पीड पोस्ट आप डायरेक्ट स्कूल के नाम भेज सकते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवासा, मंदसौर जिला, सीएम राइज स्कूल है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदवासा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप इस विषय के हैं जो विज्ञापन में दिए हैं तो आप आवेदन जाके वहां पर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की जानकारी को पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ।